चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। डॉक्टर हकीम कहा करते हैं सुबह सुबह लंबी सांसें लिया करो पार्क में जाकर, पर हमारा सफाई कर्मचारी अपने मुंह पे कपड़ा बांधकर अपनी सांस रोककर इस देश को बचाने का काम कर रहा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, किसी भी सरकार का इस तरफ कोई आज तक ध्यान नहीं गया। तो हम ये चाह रहे हैं मेरे मातो बहनों, इस लड़ाई को मजबूती से हम लोगों को लड़ना है। जो निम्नलिखित मांगे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, जो मेरठ में आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनका वेतन यहाँ पर फिलहाल 10,000 रुपये है, तो हमारी मांग है तो उनका वेतन 18,500 रुपये किया जाए। प्लस जो आउटसोर्सिंग में है उनको संविदा में किया जाए, और जो पूरे प्रदेश में संविदा कर्मचारी जिनको वेतन 18,500 रुपये है उनको परमानेंट किया जाए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, तो आप सफाई कर्मी हैं? हाँ, सफाई कर्मी है। आप यहाँ पर क्या मांगे हैं, आपकी क्यों आए हैं? अपनी मांगे पूरी करने आए जी, जो ठेके पे दे रहे हैं कंपनियों को, जो दे रहे हैं गवर्नमेंट, इसमें हमें घाटा है अपने, इसलिए आए हम। किस तरीके से घाटा है? थोड़ा घाटा ये है कि जो बढ़ना चाहिए था वो घटता जा रहा। 5,000 दे रहे हैं, कभी 6,000 दे रहे हैं, 25-25, 30-30 साल हो गए, होते होते तनख्वाह ना बढ़ा रहे हैं, इनमें कोई गुजारा हो रहा है? बच्चे भी पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे, क्या कर लेंगे? निजीकरण का मामला ये यहाँ तक नहीं है। पिछले दिनों में एक ही महीने में सरकार बनी है, 22 से ज्यादा डिपार्टमेंट सरकारी से निजीकरण कर दिए गए हैं। शिक्षा को यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन में दिया जा रहा है, और एनटीपीसी, विद्युत विभाग, जल विभाग, ये जितने भी रेलवे विभाग, ये सब प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। और जो ठेका पट्टा सफाई कर्मचारियों के लिए है जो लागू कर रहे हैं, ठेके का मतलब ये है कि आपको उतना ही खाना दिया जाएगा जितना आपको जिंदा रहने के लिए जरूरत होगी। आपको ना पढ़ने का अधिकार होगा, ना अपने बच्चों का विकास करने का अधिकार होगा, ना अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार होगा। ये सारी व्यवस्थाएं निजीकरण के माध्यम से की जाती हैं। अब सरकारी नौकरी की बात नहीं है, जब निजीकरण इतना हावी हो गया है इस देश पर, सारी कंपनियां निजीकरण किया जा रहा है, तो सरकारी नौकरी बची कहाँ है? इसलिए हमें अब प्राइवेट सरकारी रिजर्वेशन के साथ साथ अब हमें प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग करनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सफाई कर्मियों में, उनकी 35,000 से 40,000 रुपये इनकम है, और जो ठेका पर था ये लाने का कार्य कर रहे हैं, उनकी सैलरी मात्र 7,000 से 8,000 रुपये, जिससे कि उनका उत्पीड़न होगा, उनके बच्चों को सही शिक्षा नहीं प्राप्त होगी, उनका स्तर और नीचे की तरफ चला जाएगा। वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न इस लेवल पर किया जा रहा है कि सीवरों में बिना किसी सेफ्टी के हमारे लोगों को उतारा जा रहा है और उनको नरकीय मौत दी जा रही है। Thank you.